अ चार्ज ऑफ क्यू कुलाम आ प्लेस्ड इज प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन ऑफ साइड ए मीटर। रेगुलर हेक्सागॉन है और साइड ए मीटर है और क्यू चार्ज हर एक फेसेस पर रखा हुआ, इंड कॉर्नर पर रखा हुआ है। अच्छा, ये क्यू चार्ज यहाँ पर भी रखा हुआ है, ठीक। अ चार्ज माइनस सिक्स क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है। कैलकुलेट द मोनोपोल, मोनोपोल कैलकुलेट करना है तो चलो मोनोपोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोनोपोल ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, मोनोपोल ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोनोपोल अगर हम देखें तो क्या होता है, सम ऑफ द ऑल चार्जेज, क्यू नेट सम ऑफ ऑल चार्जेज होता है, सम ऑफ ऑल चार्जेज होता है ये मोनोपोल के लिए। तो ये क्यू 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 क्यू, तो क्यू 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 दो चार और क्यू, और फिर क्या होगा माइनस सिक्स क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स क्यू माइनस सिक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो मोनोपोल ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मोनोपोल हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या था, कैलकुलेट द मोनोपोल, ये आ गया। कैलकुलेट डाइपोल, तो चलो डाइपोल कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से एक चार्ज क्यू निकालो और एक क्यू यहाँ से लो, एक डाइपोल बना, एक क्यू यहाँ से निकालो, एक क्यू यहाँ से, दो डाइपोल बन गया। अभी यहाँ चार क्यू बाकी है, एक क्यू यहाँ निकाले, एक क्यू यहाँ, तीन कितना, तीन डाइपोल हो गए। अभी तीन क्यू बाकी है, एक क्यू निकाला, अभी दो बाकी है, फिर एक निकाल लिया मैंने और एक क्यू यहाँ, थ्री डाइपोल, फोर डाइपोल। अभी एक क्यू निकाला, अभी एक क्यू यहाँ का, फाइव डाइपोल, सिक्स डाइपोल, तो ऐसे छः डाइपोल बन रहे हैं। एक एक डाइपोल की वजह से यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल कैलकुलेट करो, x कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज q एट a, ठीक है, a पर जो है उसकी वजह से हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a पर जो है उसके लिए अगर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा P1 इज इक्वल टू Q इंटू क्या हो जाएगा, ये हर एक आर्म A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये A होगा, ये A होगा और ये हो A होगा। तो कितना हो जाएगा ये कि हो जाएगा Q इंटू A हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर। चलो अब इसी तरीके से X कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज, ये जो क्यू है इसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं एट बी ये पर। तो देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है और यहाँ पर ए है, ये तो ये A है, ये B है और ये O है। यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है और ये A है, ये भी A है, ये भी A है। इस पर परपेंडिकुलर डाल दो तो ये हो जाएगा A बाई टू, और इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करो और ये भी A है। तो यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से, तो हम देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर और रूट में हमको क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे, यहाँ मान लो कि ओ डैश है तो ओ डैश बी मिलेगा, हमको ओ डैश बी मिलेगा। कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर रूट के अंदर, तो यहाँ से मिलेगा हमको फोर ए स्क्वायर बाई फोर, क्या मिलेगा, फोर वन फाइव, फाइव स्क्वायर बाई फाइव ए स्क्वायर, यही तो मिलेगा फाइव ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बाई टू का होल स्क्वायर, अरे माइनस रहेगा भाई, माइनस रहेगा यहाँ बीच में क्योंकि हम डायगोनल जानते हैं ना, ये माइनस करो यहाँ पर, तो फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर और फिर कितना हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर रूट में,
और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3a/2, ये मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हुआ x पर तो a/2 आया और y पर √3/2 आएगा इंटू ए, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आगे डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, P2=Q और इंटू x एक्सिस के अलावा निकाल रहे हैं तो x का कोऑर्डिनेट a/2 लेंगे, तो कितना हो जाएगा a/2, तो Q×a/2 पॉजिटिव के साथ, ये भी मिल गया हमको। चलो x कंपोनेंट के अलावा कंपोनेंट ऑफ डाइपोल कैलकुलेट करते हैं हम, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज, देखो अब की बार इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, ये C पर जो है, तो चार्ज Q@C के वजह से देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है C की वजह से। जो कोऑर्डिनेट B का है ठीक वही कोऑर्डिनेट C का भी होगा, क्योंकि हर एक पैरामीटर सेम है, बस डिफरेंस क्या होगा कि x एक्सिस में माइनस आ रहा है और y एक्सिस में प्लस में जा रहा है, तो प्लस √3/2 इंटू ए, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब हमारा जो होगा x एक्सिस का यहाँ पर कितना लेना है डिस्टेंस, a/2 माइनस के साथ लेना है, तो P3=Q×-a/2, तो -Q×a/2 हो जाएगा। अब x कंपोनेंट का हम देख रहे हैं तो एक चीज़ और देख लेते हैं, ऑफ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज Q@, अब देखो कहाँ पर है, अब की बार D पर आ गया, चार्ज एट डी, तो डी का मोमेंट देख लो कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट तो ये ओरिजिन है तो इधर आएगा माइनस ए, तो ये माइनस ए हो गया और ये जीरो हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो माइनस ए लेना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा P4=Q×-a, तो -Q×a, तो P4=Q×a आ गया, तो P4 हो गया, ये P3 हो गया -Q×a/2, और P2 कितना आया Q a/2, ये आ गया है, और P1 कितना आया है, ये आ गया है P1। चलो अब E पर मौजूद जो चार्ज है इसकी वजह से हम डाइपोल देखते हैं। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट भी देख लो, इसका कोऑर्डिनेट देख लो, अब देखो x पर आएगा तो नेगेटिव, y पर आएगा तो भी नेगेटिव, x और y सारे पैरामीटर सेम हैं, तो इसका भी कोऑर्डिनेट वही होगा a/2 और √3/2 × a, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस में रहने वाले हैं, लेकिन x एक्सिस के अलोंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो -a/2 लेंगे डाइपोल मोमेंट। तो हम x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज Q@ कौन से पॉइंट पर है, E पर, तो E, तो हमारा P5=Q×-a/2 हो जाएगा और -Q×a/2 और P5=Q a/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। ऐसे सिमिलरली x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज Q@, अब की बार कौन से पॉइंट पर है, E के बाद F पॉइंट पर है, तो F पर ले लेते हैं, किस पर, F पर, तो देखो सेम कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सेम कोऑर्डिनेट, सारा पैरामीटर सेम एकदम B वाला, तो यहाँ पर भी a/2 रहेगा और √3/2 रहेगा, बस x पर तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन y पर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर नेगेटिव लगा लेंगे, ठीक है, तो x पर a/2 पॉजिटिव के साथ है, तो हमारा जो मोमेंट हो जाएगा P6=Q×+a/2
और P6 इज इक्वल टू क्यू ए बाई टू, ए बाई टू ये हो जाएगा। अब नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, कर लेते हैं ठीक है। तो चलो देखते हैं नेट डाइपोल मोमेंट, नेट एक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पी नेट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव प्लस पी सिक्स, ठीक है। तो पी वन कितना है बेटा, पी वन है क्यू ए है, पी टू क्यू ए बाई टू है, तो क्यू ए और क्यू ए बाई टू। नेक्स्ट थ्री कितना है, माइनस क्यू ए बाई टू, माइनस क्यू ए बाई टू है। क्यू फोर कितना है, माइनस क्यू ए है, माइनस क्यू ए। फिफ्थ वाला कितना है, माइनस क्यू ए बाई टू है, और फिर क्यू ए प्लस वन है, क्यू ए प्लस टू है, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, अब हमारा पी नेट कितना आया, पी नेट आ गया जीरो, कितना आया पी नेट जीरो आ गया। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से भी हमारा डाइपोल मोमेंट, देखो ये कैलकुलेट करना था हमको, ये कैलकुलेट करना था, कहाँ गया ये कैलकुलेट करना था डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल भी इस पूरे सिस्टम के लिए क्या आ गया, जीरो आ गया। क्वार्टर पोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, अब क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टर पोल मोमेंट, और क्वार्टर पोल मोमेंट को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फार्मूला क्यू ए स्क्वायर होता है। चलो अच्छा एक बात बताना यहाँ पर कि इस पूरे सिस्टम में कितने क्वार्टर पोल बनेंगे। क्वार्टर पोल आई होप आपको पता होगा कि यहाँ प्लस क्यू होता है, और यहाँ पर माइनस टू क्यू होता है, और यहाँ पर क्या होता है, प्लस क्यू होता है, ये क्वार्टर पोल बनता है, ये क्वार्टर पोल बनता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक माइनस टू क्यू लेंगे इसके लिए, ये बी और ई के लिए, तो माइनस क्यू के लिए बी और ई के लिए एक क्वार्टर पोल बन गया। और देखो एफ और सी के लिए माइनस टू क्यू लेंगे, एक क्वार्टर पोल बन गया। अभी यहाँ माइनस टू क्यू बचा हुआ है, एक माइनस टू क्यू लेंगे तो डी और ए के लिए क्वार्टर पोल बन गया। कितने क्वार्टर पोल बने, तीन क्वार्टर पोल बने। इस तरीके से कितने क्वार्टर पोल बने, थ्री क्वार्टर पोल बने। तो इनको हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर दिखाते हैं कितने क्वार्टर पोल बन रहे हैं वो देखते हैं। देखो एक तो हमारा बना है किसके किसके लिए, देखो एक तो ए के लिए, फिर ऐसे एक क्वार्टर पोल बना था, और एक ऐसे एक क्वार्टर पोल बना था। इसको सही कर लेते हैं हम, चलो देखते हैं जो क्वार्टर पोल बना था। देखो ए बी, ये बी था, और ये क्या था, सी था, ये डी था, ये ई और ये एफ। तो एक क्वार्टर पोल बना था बी के लिए और ई के लिए, ठीक है। एक क्वार्टर पोल बना था ए डी के लिए, एक बना था सी और एफ के लिए। तो हमारे पास इस तरीके से कितने क्वार्टर पोल हो गए, तीन क्वार्टर पोल हो गए। सपोज कर लेते हैं क्वार्टर पोल मोमेंट इधर है और कुछ इधर है और ऐसे है, मतलब यह क्वार्टर पोल मोमेंट है, ठीक है। चलो एक बार देख लो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक क्वार्टर पोल छूट गया है, देखो एक क्वार्टर पोल छूट गया। वाई के अलॉन्ग कोई क्वार्टर पोल है ही नहीं, वाई के अलॉन्ग नहीं है बेटे, सी और एफ के अलॉन्ग है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, सी और एफ के अलॉन्ग है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसके अलॉन्ग कोई क्वार्टर पोल नहीं है, इसके अलॉन्ग ऐसे कुछ है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक, ये बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा C और F। तो Y एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो चलो Y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, Y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये Y एक्सिस हो गया, सही कर लो Y एक्सिस को, ये Y एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, ठीक है। X एक्सिस तो हमें पता ही है, X एक्सिस मेरा क्या है, ये है मेरा एक्स एक्सिस। तो एक बात बताना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पूरे क्वार्टर पोल को, इसको मैं पी वन कह दे रहा हूँ क्वार्टर पोल, क्यू वन, और इसको इसको बोल दो, सीरीज से बोलते हैं क्यू वन
Q2 और ये क्वार्टर पोल मेरा Q3 हो गया। जरा देखना ये कितने एंगल पर है, ये 60 डिग्री पर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना ये। और ये वाई एक्सिस से कितने पर है, ये 30 डिग्री पर है, कितने पर है 30 डिग्री पर है। इन सबको रिजॉल्व कर लो, इनको रिजॉल्व कर लो, ए हटा दे रहे हैं इसको। Q2 को रिजॉल्व करोगे तो इस साइड आएगा, क्या आएगा, Q2 cos 60 डिग्री आएगा। और इधर क्या आएगा इसका, इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, इधर आएगा Q2 और साइन 60 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो इसको रिजॉल्व करो Q3 को, तो Q3 इधर कितना आएगा, Q3 इधर आएगा Q3 और cos 30 डिग्री, और इधर कितना आएगा Q3 और साइन 30 डिग्री, यही तो आएगा अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो। तो मैंने सारे क्वार्टर पोल को x और y में लिख लिया। तो क्वार्टर पोल अगर मैं लिखूं कि क्वार्टर पोल का x कंपोनेंट लिखूं, तो x कंपोनेंट ऑफ क्वार्टर पोल, तो x कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ क्वार्टर पोल, ठीक है। तो क्वार्टर पोल का x कंपोनेंट लिखते हैं, तो x कंपोनेंट अगर लिखेंगे, x कंपोनेंट ऑफ क्वार्टर पोल, तो यहाँ से Qx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q और x, Qx में कितना आएगा, ये Q1 हो जाएगा प्लस Q2 हो जाएगा, Q2 और इसके साथ cos 60 हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या, इधर देखो अपोजिट आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस Q3 और साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 cos 60 की वैल्यू 1/2 और माइनस Q3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये Q1 प्लस Q2 बाई टू माइनस Q3 बाई टू, यही तो होगा। तो हम Q1 और Q2 की वैल्यू भी निकालें, हर एक क्वार्टर पोल की लेंथ जो है वो ए ही है, ठीक है, वो ए ही सेम है। तो चाहे Q1 देखो चाहे Q2, चार्ज भी सबका सेम ही है, चाहे Q3 देखो, तो वो Q इंटू ए स्क्वायर ही है, कितना है, टू क्यू इंटू, अच्छा यहाँ पर 2Q इंटू ए स्क्वायर होता है, तो यही है क्वार्टर पोल का, यही है इनका, कितना है 2Q ए स्क्वायर, और इसको हम बोल दे रहे हैं बस, ठीक है यही ठीक है। तो हर एक की वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 2Q ए स्क्वायर प्लस क्वार्टर पोल, क्वार्टर पोल का मैंने यहाँ कहीं फार्मूला क्या लिखा था, ये 2, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, तो ये 2Q a² / 2 और माइनस 2Q a² / 2, और आप देखेंगे ध्यान से तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट जो क्वार्टर पोल मोमेंट निकल कर आया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 2Q a² निकल कर आया वो ये। अब x कंपोनेंट की जगह पर y कंपोनेंट कैलकुलेट करो, y कंपोनेंट ऑफ क्वार्टर पोल, ठीक है। तो क्वार्टर पोल कैलकुलेट करो, तो Qy कैलकुलेट होगा, तो y के अलॉन्ग देखो, y के अलॉन्ग तो कौन सा आ जाएगा, Q2 साइन 60 डिग्री, Q2 साइन 60 डिग्री, और फिर Q3 cos 30 डिग्री, Q3 cos 30 डिग्री, यही दोनों आएंगे, ठीक है। चलो Q2 की वैल्यू रखो, तो 2Q a² और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और प्लस Q3 की वैल्यू 2Q a² और cos 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2 × 2 × 2Q a² और √3/2, दो हमने लिख लिया ना, दोनों ऐड कर लिया इसको, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ पर, Qy इज इक्वल टू बचा 2, और यहाँ पर ऐसे लिखो आप कि √2√3 ऐसे लिखो, और Qa² तो y में भी मिल गया हमको, x में भी मिल गया हमको। नेट क्वार्टर पोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नेट क्वार्टर पोल मोमेंट, क्वार्टर पोल मोमेंट, नेट क्वार्टर पोल मोमेंट, तो नेट क्वार्टर पोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू √Qx² प्लस Qy² क्यू एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2Q a² का होल स्क्वायर, क्यू वाई की जो वैल्यू होगी 2√3 × Q a² का होल स्क्वायर। देखो बेटे 2 कॉमन,
क्यू कॉमन, ए स्क्वायर भी कॉमन, तो टू क्यू ए स्क्वायर कॉमन हो गया, रूट से बाहर आ गया। अंदर बचा वन और यह बचा यहाँ रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि थ्री, तो अब कितना हो जाएगा टू क्यू ए स्क्वायर और इंटू थ्री वन फोर रूट के में, और रूट से बाहर आएगा टू हो जाएगा, ठीक है। तो फोर और क्यू ए स्क्वायर ये क्वाडर पोल मोमेंट हो गया, क्या हो गया ये क्वाडर पोल मोमेंट भी आ गया। और अब हमारा जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का तीन चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और क्वाडर पोल मोमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड फील्ड एट द लार्ज एक्सिस एक्सियल डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है। चलो पहले तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने में हमको कुछ जनरल बातें आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या जनरल बातें आनी चाहिए मैं यहाँ लिखकर बता दे रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, पॉइंट वी आर कॉमा थीटा पर बताना है आपको, और फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर कॉमा थीटा पर पोटेंशियल होता है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्वाडर पोल अपान आर क्यूब होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो पोटेंशियल ये होगा, तो Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू हम लोगों ने माना था कि वो टू क्यू और ए स्क्वायर होता है। R पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस क्वाडर पोल की वजह से, कहीं पर R पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। ये यहाँ से पॉइंट कितना है R है, ये मानकर चलना कि ये डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। चलो पोटेंशियल भी आ गया, हमने पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लिया, उसका जनरल फार्मूला लिख ही दिया, V इज इक्वल टू आर इंटू थीटा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आ गया हमारा पोटेंशियल आ गया, ठीक है। चलो पोटेंशियल के बाद कुछ और भी कह रहा था कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, पोटेंशियल आ गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक्सियल पॉइंट पर, तो हम इस पोटेंशियल को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक होगा हमारा रेडियल और एक होगा हमारा, एक कौन सा होगा ट्रांसवर्स फील्ड होगा, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के में कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो रेडियल होता है ई आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर होता है, और जो ट्रांसवर्स होता है ई थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर डेल वी अपॉन डेल थीटा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़रूरी है कैलकुलेट करना अगर कह दिया है तो। चलो माइनस डेल अपॉन डेल आर और V की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक चीज़ मैं और आपको यहीं पर बताते चलूँ, बहुत सारी बुक में क्या होता है ना, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो ऐसे लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर देखो टू क्यू ए स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर लिख देते हैं, क्यूब क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब। तो अगर जब यहाँ टू लिखना है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं फोर कर देते हैं, तो हमें उस मतलब झमेले में फंसना ही नहीं है, हमें केवल कम से कम वैल्यू लेकर चलना है, तो हमने इसलिए यहाँ पर ऐसे किया। आपकी मर्जी हो तो आप इसको भी ऐसे कर लो और ये थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो बहुत सारे बुक में ये वाला फंडा लेकर चलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सही है हम लोग जो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो R के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसका क्या हो जाना है, डिफरेंशिएशन हो जाना है, तो हमको मिलेगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू टू क्यू और ए स्क्वायर, ये हमको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा टू क्यू ए स्क्वायर और यहाँ पान में वन कर लो और थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस लगा लो तो आर की पावर माइनस थ्री ऊपर आएगा तो माइनस थ्री यहाँ आ जाएगा, आर की पावर माइनस फोर हो जाएगा, तो वन अपान और ये माइनस इस माइनस को प्लस बनाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स क्यू ए स्क्वायर
अपॉन आर की पावर 4 और ई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटे, ठीक है, ये इतना आ गया। चलो इस वाले कंपोनेंट को भी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ई थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर और डी वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल थीटा से माइनस 1 बाई आर डेल अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू, और या फिर आप वैल्यू ही रख लें 2q और ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर नहीं होती, क्यूब होता है, ये क्यूब होता है, यहाँ सब जगह हमने स्क्वायर ही लिख दिया, क्यूब होता है भाई, आप लोग बताते भी नहीं हो, क्यूब होता है ये, क्यूब होता है ये, क्यूब होता है, हाँ यहाँ भी स्क्वायर ही लगा रखा है मैंने, क्यूब होता है ये, ठीक है, ये क्यूब होता है, यहाँ भी स्क्वायर ही लगा रखा है, देखो हर जगह पर स्क्वायर लगा रखा है, यहाँ भी देखो ये क्यूब थीटा, ठीक है, सही कर लो भाई, जहाँ स्क्वायर वहाँ क्यूब कर लो आप, ठीक है, ये हो गया। चलो डिफरेंशिएट करो इसको, तो यहाँ आपकी बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, तो माइनस 1 बाई आर पहले से है और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 और अंदर में अब डिफरेंशिएशन होना है 3 कॉस स्क्वायर क्यूब क्यूब थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इन टू 1, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आगे लगा लो 2 क्यू, कितना होगा 2 क्यू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और 3 और कॉस क्यूब थीटा का करना है हमको, तो कॉस क्यूब थीटा का हो जाएगा 4 और थीटा हो जाएगा कॉस 4 थीटा और फिर क्या हो जाएगा और फिर हमारा कॉस का कितना हो जाएगा इसका 4 कॉस थीटा और एक मिनट और कॉस थीटा का फिर हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा और 1 का 0 हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को ये माइनस प्लस बना देगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू ए स्क्वायर आर की पावर 3 आर की पावर 3 क्या आर की पावर 3 कैसे एक आर यहाँ आर की पावर 4 बन जाना चाहिए इसको, देखो कैलकुलेशन चेक करते रहो भाई। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और कॉस की पावर 4 थीटा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ठीक है। और इसको चाहो तो आप इसको क्यू ए स्क्वायर इसको कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। चलो तो हमें क्या मिल गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स नेचर में भी हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और रूट में ये हो जाता है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बेटे। तो ई आर का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, ये वैल्यू आया था, इसका होल स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्टली ये दोनों सेम ही हैं, तो ये तो रूट के बाहर ही रहेगा। तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा बाहर ऐसे शॉर्टकट कर रहा हूँ और 6 क्यू ए स्क्वायर अपन आर टू द पावर 4, अगर स्क्वायर होगा तो किसका होगा, देखो अब रूट के अंदर नहीं होगा, बाहर निकल पाएगा तो केवल ये नहीं निकल पाएगा, यानी कि 3 और कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बाहर नहीं निकल पाएगा, 3 कॉस क्यूब थीटा यही होता है और माइनस 1 ये बाहर नहीं निकल पाएगा और ये बाहर नहीं निकल पाएगा ये और प्लस कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा ये बाहर नहीं निकल पाएगा इसका, क्योंकि होल स्क्वायर रहेगा ना। और अब इसको सही करो, इसको ओपन करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 क्यू ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, और देखो क्या करना है, इसको होल स्क्वायर से ओपन करो तो 9 हो जाएगा और कॉस क्यूब का हो जाएगा 6 और थीटा और फिर इसका स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस 2 ए भी होता है तो 6 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगा तो 8 थीटा हो जाएगा
और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना तक हो गया हमारा। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1/4πε₀6qa²r⁴ ये आ जाएगा 5cos⁴θ − 2cos²θ + 1, ये सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। आप चाहो तो आप लिख सकते हो 1/4πε₀6qa², इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से 6qa² को कैपिटल Q लिख सकते हो, और यहाँ पर हमने माना था कैपिटल Q इक्वल टू 2qa², तो आप यहाँ पर 3q लिख सकते हो, और r⁴ ये लिख सकते हो, r⁴ यहाँ से हो जाएगा, और √5cos⁴θ − 2cos²θ + 1, इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इतना आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इतना आ जाएगा। तो बस इसे ये सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था ये।